हेलो डियर स्टूडेंट्स एज यूजुअल आई एम नवनील गॉड फ्रॉम टैगोर स्कूल एंड वी आर स्टिंग अवर ईवीएस बुक ऑफ क्लास फिफ्थ इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं हमारी फिफ्थ क्लास की ईवीएस बुक एंड एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं वी आर स्टिंग अवर फिफ्थ लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा फिफ्थ लेसन कम आओ आइए लेट्स प्ले गेम्स आइए खेलें खेल आओ आओ खेलें खेल इस ये जो लेसन है इट इज रिलेटेड टू गेम्स ये जो लेसन है वो गेम्स से रिलेटेड है एंड आई हैव गिवन यू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन इन माई प्रीवियस वीडियो मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको इस लेसन में से थ्री क्वेश्चन दे चुका हूं आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज़ थ्री क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक इस बुक से फ्रॉम दिस लेसन इस लेसन से जो ये थ्री क्वेश्चन मैंने दिए थे वो आपने लेसन का नेम और नंबर मेंशन करते हुए ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे आज हमें यहां से स्टार्ट करना है इट इज सेकंड इट इज एक्चुअली सेकेंड वीडियो ऑफ दिस लेसन आज का ये वीडियो सेकंड पार्ट है इस लेसन का लेट्स स्टार्ट दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन आइए शुरू करते हैं इस लेसन के सेकंड पार्ट को लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स निम्नलिखित पिक्चर्स को देखिए एंड डिस्कस और चर्चा कीजिए अबाउट देम उनके बारे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं इट इज द पिक्चर रिलेटेड टू टेबल टेनिस टू प्लेयर्स आर प्लेइंग टेबल टेनिस गेम यहां पर दो जो प्लेयर्स हैं वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं इन दिस पिक्चर सम प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी इन दिस पिक्चर टू प्लेयर्स आर प्लेइंग चेस यानी शतरंज हॉकी चेस का मतलब शतरंज होता है इन दिस पिक्चर टू प्लेयर्स आर प्लेइंग रेस्लिंग यानी कुश्ती इन दिस पिक्चर वन प्लेयर इज प्लेइंग आर्चरी यानी तीर अंदाजी तीर से निशाना लगाना इसको आर्चरी कहते हैं वन प्लेयर इज प्लेइंग आर्चरी इन दिस पिक्चर सम प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट इन दिस पिक्चर वन प्लेयर इज प्लेइंग बिलियर्ड्स एंड इन दिस पिक्चर द प्लेयर इज प्लेइंग स्कीइंग यानी बर्फ पे फिसलना नाउ वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चन अब हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है देर आर दीज आंसर आर वेरी शॉर्ट जो ये आंसर है इन क्वेश्चन के बहुत ही छोटे हैं द क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन आपको लिखना है विच गेम्स यानी कौन से खेल आर बींग प्लेड खेले गए खेले गए हैं खेले जा रहे हैं कौन से खेल खेले जा रहे हैं इन द अब पिक्चर्स ऊपर के चित्रों में तो यहां पर आपको सिर्फ विच की जगह पर उन खेलों के नाम लिखने हैं जो यहां पर दिए गए हैं टेबल टेनिस कोमा हॉकी कोमा चेस कोमा रेसलिंग कोमा आर्चरी कोमा क्रिकेट कोमा बिलियर्ड्स एंड लास्ट में एंड स्कीइंग गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबाउ पिक्चर्स तो सिर्फ आपको विच की जगह पर उन गेम्स के नेम मेंशन करने हैं कोमा लगा करके और लास्ट वाला नेम होगा उसके पहले आप एंड लिख दे और हर एक गेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा क्योंकि कोई भी जो नेम होता है वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल मेंशन किया जाता है तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये जो गेम्स हैं वो ऊपर के अबव पिक्चर्स में प्लेइंग किए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर कितने प्लेयर्स हैं इन टेबल टेनिस टेबल टेनिस में कितने प्लेयर्स हैं तो आप देख पा रहे हैं यू कैन सी देर आर टू टू प्लेयर्स इन टेबल टेनिस सो यू हैव टू ओनली रिप्लेस वन वर्ड हाउ मैनी बाई द टू ये जो हाउ मैनी शब्द है इसको टू से रिप्लेस करना आपको केवल टू प्लेयर्स आर देयर इन ए टेबल टेनिस केवल आपको हाउ मेनी की जगह टू लिखना है बाकी पूरा क्वेश्चन आप यूज करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें जब आप आंसर में इसको यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप फुल स्टॉप यूज करें टू प्लेयर्स आर देयर इन ए टेबल टेनिस टेबल टेनिस में दो प्लेयर होते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच गेम्स यानी कौन से खेल आर प्लेड खेले गए हैं खेले जाते हैं आउटडोर्स यानी घर के बाहर इन द ग्राउंड मैदान में कौन से खेल घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं तो इसमें भी केवल विच की जगह आपको उन गेमों के गेम्स के नाम लिखने हैं जो कि बाहर खेले जाते हैं तो देखते हैं कौन कौन से हैं ये नहीं है हॉकी लिख सकते एक तो हॉकी लिखना आपको हॉकी कोमा ये भी नहीं है हॉकी के बाद में आपको लिखना है आर्चरी आर्चरी के बाद कोमा लगा के लिखना है क्रिकेट और एंड लिख करके एंड स्कींग ये इस तरह से लिख करके आपको विच की जगह लिखने हैं तो आंसर हो जाएगा आपका हॉकी हॉकी आर्चरी क्रिकेट एंड स्कीइंग गेम्स आर प्लेड आउटडोर्स इन द ग्राउंड ये गेम्स खेले जाते हैं बाहर ग्राउंड में तो विच की जगह केवल नेम्स आपको लिखने हैं कोमा लगा करके लास्ट में एंड का प्रयोग करते हैं लास्ट वाले शब्द से पहले और विच की जगह ये सब लिख करके बाकी का पूरा क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच गेम्स कौन से खेल आर प्लेड खेले जाते हैं इंडोर्स यानी घर के अंदर इन द रूम रूम के अंदर यहां पर भी वही करना आपको विच की जगह बस वो गेम्स लिखने बाकी आपको वही यूज करना है तो अब अंदर के गेम्स लिखेंगे हम टेबल टेनिस अंदर खेला जाता है तो टेबल टेनिस कोमा चेस यानी शतरंज कोमा उसके बाद रेस्लिंग कोमा अब कोमा नहीं लिखे आप रेस्टलिंग के बाद में एंड बिलियर्ड्स और बिलियर्ड्स गेम्स आर प्लेड इंडोर्स या तो आप इंडोर्स लिख दें और नहीं तो आप इन द रूम इन द रूम की जगह इंडोर्स जरूर अच्छा रहेगा तो ये सारे गेम्स बिच की जगह लिख के आपको लिखना है गेम्स आर प्लेड इंडोर्स फुल स्टॉप ये आगे का नहीं लिखना आप ये ऑप्शन दिया गया है या तो ये लिख लो या ये लिख लो तो ये इस तरह से आपको आंसर प्रिपेयर करना है बहुत ही आसानी से आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं ये आंसर और बनाना आना भी चाहिए आंसर हर चीज को रटने की बजाय हम उसको बनाना सीखें ये अच्छी बात है सो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर दीज आंसर्स ऑफ दिस दीज क्वेश्चन्स नाउ वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन आइए अगला जो लेसन का पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं ये फोर क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करना है गेम्स यानी खेल सॉरी यहां से करना है वेन यानी जब मोर देन वन प्लेयर एक से ज्यादा खिलाड़ी जब एक से ज्यादा प्लेयर प्ले टुगेदर साथ में खेलते हैं जब एक से ज्यादा खिलाड़ी यानी दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी प्लेयर्स प्ले टुगेदर यानी साथ में खेलते हैं ए फीलिंग एक भावना ऑफ कोऑपरेशन यानी सहयोग की एक सहयोग की भावना कोऑपरेशन यानी एक सहयोग की भावना डेवलप्स यानी विकसित होती है अमंग उनके बीच में जब एक से ज्यादा लोग साथ में मिलकर खेलते हैं तो उनके बीच में कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होती है विच इज नॉन जिसको जाना जाता है एज यानी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस भावना को जो सहयोग की भावना विकसित होती है उन लोगों के बीच में जो साथ में मिलकर खेलते हैं उनके बीच में एक फीलिंग डेवलप होती है एक भावना विकसित होती है कोऑपरेशन की यानी सहयोग की उस भावना को कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हिंदी में खेल भावना कहते हैं इसको खेल की भावना स्पोर्ट्स स्पिरिट कहते हैं जब मिलकर के खेलते हैं सब लोग तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है इनके बीच में खेल भावना डेवलप होती है गेम्स यानी वो खेल आर प्लेड जो खेले जाते हैं इन द ग्राउंड ग्राउंड में जो खेल ग्राउंड में खेले जाते हैं आर कोल्ड आउटडोर गेम्स उनको आउटडोर गेम्स कहा जाता है एंड द गेम्स और वो गेम्स आर प्लेड जो खेले जाते हैं इन क्लोज एरिया जो बंद एरिया में खेले जाते हैं या रूम्स में खेले जाते हैं आर कोल्ड इंडोर गेम्स उनको इंडोर गेम्स कहते हैं तो अब आप समझ गए होंगे घर के बाहर जो हम ग्राउंड में खेलते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं और जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो इंडोर गेम्स होते हैं सिंस दूरदर्शन जब से सिंस का मतलब जब से दूरदर्शन हैड स्टार्टेड जब से दूरदर्शन स्टार्ट कर चुका था जब से दूरदर्शन दूरदर्शन जाते हो ना टीवी पर चैनल आते हैं उसमें से एक दूरदर्शन भी आता है जब से दूरदर्शन हैड स्टार्टेड जब से दूरदर्शन स्टार्ट कर चुका था टू टेलीकास्ट यानी प्रसारित करना कबड्डी मैचेज कबड्डी के मैच पहले कबड्डी का इतना क्रेज नहीं था बीच में क्रिकेट ज्यादा खेलते थे लोग लेकिन जब से दूरदर्शन ने कबड्डी के मैच टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया कबड्डी के मैच दिखाने लग गया दूरदर्शन जब से प्रो कबड्डी एक कबड्डी नई शुरू हो गई जिसमें इनाम बड़े बड़े प्राइज मिलते हैं तो ऐसे मैच जब से दूरदर्शन ने दिखाना शुरू कर दिया दीज डेज इन दिनों दिस गेम ये जो गेम है कबड्डी का इज बिकमिंग पॉपुलर वो पॉपुलर हो रहा है जब से मैच कबड्डी के मैच आने लग गए टीवी पर तब से कबड्डी का जो मैच जो गेम है वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है चिल्ड्रन आर सींग बच्चे देखे जा रहे हैं प्लेइंग कबड्डी कबड्डी खेलते हुए बच्चे कबड्डी खेलते हुए देखे जा रहे हैं इन स्ट्रीट ग्राउंड्स गलियों के मैदान में गलियों में जो छोटे बड़े मैदान होते हैं उनमें कबड्डी खेलते हुए बच्चे दिखते हैं एट कई स्थानों पर दे आर सीन वे देखे जाते हैं प्लेइंग क्रिकेट आल्सो कई जगहों पर क्रिकेट खेलते हुए भी दिखते हैं बच्चे क्रिकेट इज प्लेड क्रिकेट खेला जाता है ऑन ए लार्ज ग्राउंड एक बड़े मैदान में बट लेकिन चिल्ड्रेन आर सींग प्लेइंग लेकिन बच्चे खेलते हुए दिखते हैं इट यानी इसे इन स्मॉल प्लॉट छोटे जो प्लॉट होते हैं उनमें भी बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख जाते हैं जबकि क्रिकेट असलियत में बड़े ग्राउंड में खेला जाता है नाव एड एज इन दिनों पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर इन दिनों पीपल हैव बिकम यानी लोग जागरूक बन चुके हैं क्वाइट अवेयर यानी पर्याप्त पर्याप्त जागरूक बन चुके हैं ऑफ देयर हेल्थ उनके स्वास्थ्य के बारे में लोग इन दिनों में अपनी हेल्थ के बारे में बड़े अवेयर हो रहे हैं इसलिए योगा इज आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इसलिए योगा भी बन रहा है ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर यानी लोकप्रिय इसलिए लोग चूंकि अपने हेल्थ के लिए बड़े अवेयर हो रहे हैं तो योगा भी मोर एंड मोर पॉपुलर यानी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है नाओ यानी अब कम यानी आओ लेट्स नो आओ जाने सम फैक्ट्स कुछ तथ्य आइए कुछ फैक्ट्स जाने अबाउट योगा आल्सो योगा के बारे में भी आइए योगा के बारे में भी कुछ फैक्ट्स जानते हैं डियर स्टूडेंट्स इन द स्कूल वी हैव टीच यू टॉट यू हम आपको पढ़ा चुके हैं वी हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द सूर्य नमस्कार स्कूल में आपको सूर्य नमस्कार के बारे में कई बार बताया गया है और जो अपना मार्शल आर्ट होता है उसमें हम पहले सूर्य नमस्कार प्रेजेंट करते हैं बच्चे तो सूर्य नमस्कार जो है वो टेन डिफरेंट जो आसन है उनको मिलाकर के बनाया हुआ होता है यहां पर ये टेन नहीं बल्कि ट्वेल्व पोजिशन का शो किया गया है पोजिशन नंबर वन है इट इज पोजीशन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो इसमें ट्वेल्व जो अलग अलग आसन हैं, उनको मिला करके ये सूर्य नमस्कार बनता है यहां लिखा हुआ है वेरियस फेजेज ऑफ सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार के अलग अलग स्थितियां फेजेज का मतलब स्थितियां अलग अलग स्थितियां सूर्य नमस्कार की यहां पर प्रेजेंट की गई है सूर्य नमस्कार की जो अलग अलग फेजेज होती है वो सब अपने आप में योगा है वो अपने आप में आसन है सब अपने अपने डू यू नो क्या आप जानते हैं द ओरिजिन ऑफ योगा यानी योगा का जो ओरिजन यानी उद्भव या पैदा होना ओरिजिन का मतलब होता है उद्भव होना किसी चीज का या किसी चीज का पैदा होना द ओरिजिन ऑफ योगा यानी का योगा की उत्पत्ति योगा कहां से निकला कहां से बना have been माना जाता है योगा की जो ओरिजिन मानी जाती है योगा की जो उत्पत्ति मानी जाती है कि योगा कहां से निकला या शुरू हुआ टू डेट बेक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशंस इसको भारतीय जो प्री वैदिक यानी वैदिक जो संस्कृति वैदिक काल रहा है भारत का जिस समय में वेदों की रचना हुई वेद जो है भारत के बहुत पुराने ग्रंथ हैं उनकी रचना जिस जमाने में हुई उसको वैदिक पीरियड कहते हैं वेदिक काल तो उस प्री वैदिक यानी उससे भी पहले के वैदिक काल के पहले के समय में इसको इसका उद्भव माना जाता है इंडियन ट्रेडिशंस यानी भारतीय परंपरा का जो वैदिक काल का पूर्व वेदिक काल था यानी वेदिक काल में भी पहले का जो समय था उससे भी पहले की जो समय था उसमें योगा का उत्पन्न होना माना जाता है प्रैक्टिस ऑफ योगा यानी योगा का अभ्यास इज मैंशनड ये उल्लेख किया गया है योगा की प्रैक्टिस को मेंशन किया गया है उल्लेखित किया गया है इन द ऋग्वेदा चार प्रकार के वेद हैं उनमें से एक है ऋग्वेद तो ऋग्वेद में योगा की प्रैक्टिस को मैंशनड किया गया है उसके अभ्यास को उल्लेखित किया गया है बट मोस्ट लाइकली लेकिन ज्यादा संभावना यह है इट डेवलप्ड ये विकसित हुआ अराउंड द सिक्स एंड फिफ्थ सेंचुरी बीसीई। लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि ये ईसा से बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन बिफोर कॉमन ईरा यानी ईसा से पूर्व ईसा से पूर्व का जो समय है उसको बीसीई e. लिखते हैं तो इसकी संभावना ज्यादा है कि ये ईसा से पांचवी या छठी शताब्दी पूर्व इसका उद्भव हुआ ये शुरू हुआ तो ये एक फैक्ट दिया हुआ है डू यू नो यानी क्या आप जानते हैं इसमें तो इससे हमें पता चलता है कि ये भारत भारत से उत्पन्न हुआ हुआ जो योगा है उसका ओरिजिन यानी उसका जो उत्पत्ति है वो इंडिया से हुई है भारत से हुई है आज पूरी दुनिया के लोग योग करते हैं लेकिन इसका जो ओरिजन है इसकी जो उत्पत्ति है वो इंडिया से हुई सी पिक्चर्स इन पिक्चर्स को देखो प्रैक्टिस सम कुछ आसनों की प्रैक्टिस करो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन निर्देशों के अनुसार गिवन बाई टीचर्स जो टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं यानी आपको आसन करने चाहिए कई प्रकार के आसन होते हैं वो योगा ही है तो आप टीचर जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए आसन की यहाँ पर चार आसनों के नाम दिए गए हैं फर्स्ट है ताड़ासन सेकंड है पदमासन थर्ड है पवन मुक्तासन और फोर्थ है सूर्य नमस्कार दिस इज ए सूर्य नमस्कार क्या है दिस इज ए कॉम्बिनेशन ये एक कॉम्बिनेशन है यानी मिला जुला मिला मिली जुली चीज है ऑफ सेवरल आसन कई प्रकार के आसनों का ये कॉम्बिनेशन है यानी समूह है समुच्च है ये यानी कई प्रकार के आसन का ये कॉम्बिनेशन है सूर्य नमस्कार अब ये कुछ ताड़ासन कैसे होता है ऊपर ताली ऊपर हाथों को जोड़कर अपने पंजों के सहारे पूरी बॉडी को ऊपर खींचना ये ताड़ासन होता है पदमासन में आप जैसे आलती पालती लगा करके कमर सीधी करके हाथों को घुटने पर टिका करके पूरी बॉडी को खींचना स्ट्रेट करना इसको पदमासन कहते हैं पवन मुक्तासन में अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ना और लुढ़कना गेंद की तरह इधर उधर तो उसको पवन मुक्तासन कहते हैं और सूर्य नमस्कार ऊपर दिखाया ही गया है तो ये आसन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे लिखा है पतंजलि ऋषिज अष्टांग योग एक ऋषि पतंजलि हुए थे अपने देश में जिस जिनके नाम पर बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ भी शुरू किया है तो पतंजलि नाम के बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए थे जिन्होंने योग के बारे में बहुत लोगों को बताया बहुत खोजें की उन्होंने और बहुत सारी जानकारियां योग योग के बारे में उन्होंने बताई और कई पुस्तकें लिखी उसमें से एक पुस्तक है अष्टांग योग नाम की पतंजलि के द्वारा लिखी गई पतंजलि ऋषि यानी ऋषि पतंजलि की अष्टांग योग एक किताब है उनकी लिखी हुई पुस्तक है अष्टांग योग नाम की इंक्लूड्स उसमें शामिल है उस बुक में क्या है यम आठ नौ प्रकार की चीजें हैं आठ हैं कि नौ है अष्टांग योग में आठ प्रकार की चीजें हैं आठ प्रकार की चीजों का वर्णन है जो योग में आती है यानी योग केवल शरीर का नहीं होता है मन का भी योग होता है दिमाग का भी योग होता है पूरी बॉडी की एक एक चीज को ठीक करता है योग तो उसमें आठ प्रकार की चीजों का वर्णन किया गया है ऋषि पतंजलि की जो अष्टांग योग बुक है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि ये आठ प्रकार की चीजों का वर्णन अष्टांग योग नाम की पुस्तक में जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा उसमें किया गया है मेडिटेशन यानी ध्यान अपन प्रेयर में करते हैं ना ध्यान एक मिनट का एकदम शांत होकर के अपने मा, मा, दिमाग को एक जगह लगाना कोई दूसरा विचार नहीं करना दिमाग को एकदम शांत करना इसको मेडिटेशन कहते हैं तो ध्यान जिसको हिंदी में कहते हैं मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी मेडिटेशन बहुत जरूरी है नेसेसरी यानी जरूरी है ध्यान बहुत जरूरी है फॉर ऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी सभी प्रकार के विकास के लिए स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी जो ध्यान है वो बहुत जरूरी है इट डेवलप्स ये विकसित करता है जो ध्यान है मेडिटेशन है वो विकसित करता है डेवलप करता है एन आर्ट ऑफ लिविंग ये जीवन जीने की कला को डेवलप करता है ध्यान जब कोई करता है तो उसको जीवन कैसे जीना चाहिए वो इसकी कला आती है उसको आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला को यह डेवलप करता है ध्यान या मेडिटेशन इट डेवलप्स ये विकसित करता है ये कौन ध्यान की बात चल रही है यहां पर मेडिटेशन की इट डेवलप्स ये डेवलप करता है ए पॉजिटिव आउटलुक आउटलुक का मतलब है दृष्टिकोण एक सकारात्मक दृष्टिकोण यह विकसित करता है ट्वार्स लाइफ यानी जीवन की ओर जिंदगी की ओर जी लाइफ की ओर यानी होता है की ओर, जीवन की ओर यह एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करता है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है मेडिटेशन योगा इज आल्सो हेल्पफुल योगा इसमें भी हेल्पफुल है किसमें फॉर फिजिकल यानी शारीरिक मेंटल यानी मानसिक इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक एंड स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक डेवलपमेंट यानी विकास यानी योगा केवल शरीर के लिए नहीं होता है मात्र योगा किस किस प्रकार का डेवलपमेंट करता है फिजिकल डेवलपमेंट भी करता है योगा शरीर का विकास करता है मेंटल यानी कि मानसिक विकास करता है इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि बढ़ाता है बौद्धिक विकास करता है एंड स्पिरिचुअल और ईश्वर तक पहुंचाने का भी ईश्वर से जुड़ने का भी आ, ये उसमें भी बेनिफिशियल है योगा उसमें भी डेवलपमेंट करता है उसमें भी विकास करता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये सभी प्रकार का डेवलपमेंट योगा और मेडिटेशन ये करते हैं नाउ देर आर सम क्वेश्चन कुछ क्वेश्चनस आ गए हैं वापस थिंक एंड टेल सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर वन हाउ डू यू फील आप कैसा फील करते हैं आप कैसा महसूस करते हैं आफ्टर डूइंग योगासना योगासन करने के बाद ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली प्रार्थना सभा में प्रार्थना सभा के समय दौरान ड्यूरिंग यानी दौरान प्रेयर असेंबली के ड्यूरिंग यानी दौरान आप योगा करने के बाद कैसा फील करते हैं आपको करवाते हैं ना योगा भ्रामरी प्राणायाम ध्यान ये सब योगा है कितनी शांति मिलती है अपने को एकदम शांत हो जाता है मां, दिमाग तो हम हमें क्या करना है इससे आंसर प्रिपेयर करना है हाउ डू यू फील हाउ डू यू की जगह आपको आई लिखना है ये हटाना है तीन शब्द हाउ डू यू की जगह आई लिखना है आई फील मैं महसूस करता हूं कैसा महसूस करता हूँ फील के बाद काम एंड फ्रेश सी एल एम काम का मतलब होता है शांत एंड फ्रेश यानी ताजा मैं महसूस करता हूं आई फील मैं महसूस करता हूं काम एंड फ्रेश शांत और ताजा आफ्टर डूइंग योगासना योगासन करने के बाद ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली प्रेयर प्रेयर असेंबली के दौरान ये देखो पूरा क्वेश्चन यूज किया अपन ने आंसर में केवल कुछ जोड़ा है बस ये थ्री वर्ड्स रिमूव किए हैं आई इनकी जगह रिप्लेस किया है और फील के बाद ये जोड़ दिया काम एंड फ्रेश शांत और ताजा तो आंसर बन गया आपका आई फील मैं महसूस करता हूं काम एंड फ्रेश शांत और ताजा आफ्टर डूइंग योगासना योगासन करने के बाद ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली प्रार्थना सभा के दौरान क्वेश्चन नंबर टू इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस यदि आप कोई एक्सपीरियंस रखते हैं इफ यू हैव यानी यदि आप रखते हैं एनी एक्सपीरियंस कोई अनुभव यदि आपको कोई अनुभव है यदि आप कोई एक्सपीरियंस रखते हैं अनुभव रखते हैं अबाउट योगा एजुकेशन योग की एजुकेशन के बारे में योग शिक्षा के बारे में डिस्कस इन द क्लास क्लास में चर्चा करें यदि आपको कोई अभ्य आपने कभी योगा किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस अपना जो अनुभव है वो अपने बच्चों अपने क्लास के बच्चों के साथ बांटें। उनको बताएं कि योगा करने से क्या होता है तो ये एक एक्टिविटी है ये कोई रिटर्न वर्क नहीं है क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे इसको आपको रिटर्न वर्क में नहीं करना है इस क्वेश्चन 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 को ये नंबर नंबर करना करना है उसके बाद शुड वी डू योगा योगा हमें क्यों चाहिए वाई यानी क्यों शुड यानी चाहिए वी यानी हमें डू यानी करना योगा यानी योगा हमें योगा क्यों करना चाहिए तो अभी हमने यहां पर पढ़ा है इसका आंसर देखिए यहां से आप लिखें आ, इट यहां से स्टार्ट करें आप इसका आंसर योगा क्यों करना चाहिए इट डेवलप्स ये विकसित करता है योगा की बात चल रही है इट डेवलप्स ये विकसित करता है एन आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला योगा जीवन जीने की कला विकसित करता है आर्ट ऑफ लिविंग डेवलप करता है फिर फुल स्टॉप इट डेवलप्स ए पॉजिटिव आउटलुक ये सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप करता है टुअर्ड्स लाइफ जीवन के प्रति जीवन के प्रति ये सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप करता है फिर फुल स्टॉप है योगा इज आल्सो हेल्पफुल योगा इसमें भी हेल्पफुल है यानी सहायक है फॉर फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट योगा शारीरिक विकास मानसिक विकास बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास में भी हेल्पफुल है इसलिए योगा हमें करना चाहिए यह आंसर आपको लिखना है सो so, इसके बाद आपको यह जोड़ना है सो so, इसलिए इसलिए वी शुड डू योगा इसलिए वी शुड डू योगा इसलिए हमें योगा करना चाहिए लास्ट में ये जोड़ देना आप सो so, तो उधर लिख ही दिया मैंने या यहां लिख दू मैं ये वाई तो हटा देना आप सो so, वी आएगा इधर सो वी शुड डू योगा इसलिए हमें योगा करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स आई हैव गिवन टूडे आज मैंने आपको दे दिया है फोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर यहां से चार क्वेश्चन एंड टू क्वेश्चन फॉर रिटर्न वर्क फ्रॉम हियर यहां से रिटर्न वर्क के लिए क्वेश्चन नंबर वन एंड थ्री डू दीज क्वेश्चन एंड देयर आंसर इन ए गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज डू योर रिटर्न वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग हमेशा आपका जो रिटर्न वर्क है वो अच्छी हैंडराइटिंग में करें ताकि आप उसको रीड कर पाएं उसको लर्न कर पाएँ और टीचर भी उसको रीड करके उसमें से जो भी मिस्टेक्स है वो निकाल पाएँ ताकि आप उसको करेक्ट कर पाए वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में हम लोग आगे का जो इस लेसन का पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे हैव यू ए नाइस डे सी यू एंड बाय